बिल्कुल, गीता में जो बात कही है ना वो बहुत डीप फिलॉसफी है, उसको लोग बहुत सुपरफिशियल ढंग से समझते हैं। यानी कि तुम जो करना चाहो वो करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन परिणाम कॉस्मिक, उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। हम करने से ज़्यादा चिंतित परिणाम के लिए होते हैं, ये समस्या है। और जब कृष्ण ने बात कही तो बहुत सरल शब्दों में और इतने पहले, और यही बात है भगवान बुद्ध के, देयर इज़ नो पर्सनल डूअर, यानी कि तुम्हारे अंदर इस समय जो बुद्धि क्षमता जो आ रही उसका पूरा का पूरा उपयोग करो। और फिर जब तुमसे वो बात निकल जाएगी तो उसका जो परिणाम आना होगा वो आएगा। देखिए, हाथ में नहीं रहा, छोटी छोटी बातों में नहीं, तुम किसी के लिए गिफ्ट लेके गए कुछ, तुमने अज्यूम किया था कि ये परिणाम होगा उसका या ऐसा परिणाम होगा, तुमको ये पता नहीं था कि इतनी देर में उधर दुनिया क्या बदल गई, उस व्यक्ति के भाव मनोदशाएं परिस्थितियां, तुमने तो उसको स्टैटिक माना था अपनी इमेज से, तुमने उसको गिफ्ट पकड़ाया, उसने तुमको घूर के देखा, परिणाम तुम्हारे हाथ से निकल गया क्योंकि तुमने सोचा था गिफ्ट मिलेगा, बहुत खुश होगा दूसरा व्यक्ति, लेकिन तुमको ये पता ही नहीं उधर इतनी देर में बदल क्या गया। तो परिणाम तो कलेक्टिव हैं और हम इस जीवन में कलेक्टिव हैं, इसीलिए कभी कोई योजना भी काम नहीं आती। प्लान करना चाहिए लेकिन लिक्विड प्लान, तुम किसी से मिलने जा रहे हो, लिक्विड प्लान, ओपन एंडेड प्लान, क्योंकि वहाँ भी तो बहुत कुछ बदल रहा है। और हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी छोटी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो बाकी पूरी दुनिया को स्टैटिक मान लेते हैं, और फिर जब परिणाम अलग तरह से आते हैं तो दुखी होते हैं। यानी कि सब डायनेमिक है, हम डायनेमिक हैं तो दूसरा भी डायनेमिक है, परिस्थितियाँ डायनेमिक हैं। तुमने अभी इन्वेस्टमेंट किया था, मार्केट पर तुम्हारा जोर नहीं था, वर्ल्ड सिनेरियो पे तुम्हारा जोर नहीं था, अचानक मार्केट क्रैश कर गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। लेकिन क्या कहा जाए, तुम स्टूपिड थे, वाइज थे, क्या थे, कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट उसी समय तुमने कुछ बहुत तुक्के का काम किया था और मार्केट एकदम से राइज कर गया और तुम बड़े धनी हो गए, तो लगेगा कि तुम कितने वाइज थे, कितना कैलकुलेटिव थे। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस फेल हो जाते हैं कई बार, कुछ लोग ऐसा काम कर डालते हैं और सारी कलेक्टिव सिचुएशन उनको हेल्प कर देती है। तो इसलिए परिणाम को लेकर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, वो कलेक्टिवली ही मूव हो रहा है, सब कुछ कलेक्टिवली मूव हो रहा है। लेकिन अपना काम जितना संभव है पूरा करना चाहिए, पूरी क्षमता से करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति यहाँ आता है ध्यान में, मान लीजिए आया, मैं कहता हूँ इनलाइटनमेंट, हमेशा कहता हूँ तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ग्रेस है, कभी भी हो सकता है। तो कोई कहे ठीक है, फिर आने की ज़रूरत क्या है, कोई हो सकता है गेट पे बैठे वहीं गाड़ियाँ गिने और कोई यहाँ बैठ के बातें सुने या ध्यान, सारी चॉइसेज उसके पास ओपन है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए जो अपना काम पूरा कर रहा है वो ज़्यादा परिणाम के जोन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कलेक्टिव परिणाम को भी प्रभावित करने की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारे किए गए कर्म बिल्कुल बेकार हैं ऐसा नहीं है, वो अपना अपना परिणाम डाल ही रहे हैं, तो अपना काम पूरा कर डालें, कभी उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कभी कुछ कहने के लिए या खुद रिपेंट करने के लिए, जैसे संबंधों की ही बात आज जो थी प्रिलिमिनरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उसमें कहता हूँ कि आप अपने सारे अच्छे प्रयास कर लें, बिना जिसको कहते ना भारत में तो जो शपथ दिलवाई जाती नेताओं को उसके शब्द बड़े अच्छे हैं, कई बार जब मैंने उसको सुना तो मुझे लगा कितने अच्छे से पता नहीं किसने लिखे और इन गधों की समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं जो उसको रोज़ पढ़ते हैं, कि बिना किसी राग द्वेष अच्छे खासे शब्द हैं उसमें, भय या लालच के अपने सारे प्रयास संबंधों में कर लें, फिर जो होना है सो हो। कभी आप अहंकार के चलते, कभी प्रतिक्रिया के चलते अपना काम करते हैं, तो वो जो परिणाम आएगा वो उसमें आपके लिए रिपेंट करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए विकल्प खुले होंगे। लेकिन आप शांत थे,
आप समझदारी का बिहेवियर कर रहे थे, आप कंपैशनेट थे, फिर भी वही हुआ जो होना था, तो आपके लिए कुछ सोचने का नहीं, आप बिल्कुल उससे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ सकारात्मकता आसानी से मुक्त कर देती है और नकारात्मकता बांध लेती है, इसीलिए उसका इतना पीड़ा है। अगर आप सकारात्मक चल रहे हैं तो आप मुक्त हैं। कोई सच बोले तो ज़्यादा मुक्त होता है, झूठ बोले तो ज़्यादा बंध जाता है। तो इसीलिए हमने अपना काम पूरा किया, दैट्स ऑल। ठीक, आज के लिए इतनी बात।